सो हे वेलकम बैक। आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ कि किस तरह आप लोग अपनी ई बुक्स को अमेजोन पे पब्लिश करोगे। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो निकाल चुका हूँ जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी ई बुक्स से रिलेटेड, आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में सिंपली बात करेंगे कि किस तरह आप लोग अपनी ई बुक को अमेजोन पे पब्लिश करोगे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी साइट खोल के रख रखी है अमेजोन किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। आपको सिंपली गूगल पर जाकर अमेजोन KDP टाइप कर देना और ये साइट आपका पहला लिंक खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको साइन इन करना है अपने अमेजोन अकाउंट से। अगर आपके पास अमेजोन अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे अमेजोन अकाउंट बना सकते हो, बट मेरे पास अमेजोन अकाउंट है तो मैं सिंपली यहाँ पे साइन इन करने वाला हूँ। साइन इन के बाद यहाँ पे आपके टर्म्स ऑफ कंडीशंस आएंगे जिससे आपको करना होगा एग्री, तो हम एग्री कर देंगे। एंड अब यहाँ से आपका शुरू होता है मेन काम जहाँ पे आपको अपनी करनी है ईबुक पब्लिश। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है योर अकाउंट इज इनकम्प्लीट, टू पब्लिश अ बुक यू विल नीड टू कंप्लीट दिस। तो हम सबसे पहले यहाँ पे अपडेट कर देंगे सारी अपनी इन्फॉर्मेशन को जिसके थ्रू वो हमें पे करेंगे। टू स्टेप वेरिफिकेशन कह रहा है तो आप टू स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हो, यहाँ पे OTP मांग सकते हो अपने फोन नंबर पे। तो मैंने अपना OTP डाल दिया और मैं साइन इन कर दूंगा। तो यहाँ पे सिंपली एक पेज आएगा जहाँ पे आपको अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन टाइप करनी पड़ेगी जो मैं आपको अपनी ज्यादा नहीं दिखा पाऊंगा। यहाँ पे सिंपली आपको फुल नेम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है। मुझे लगता नहीं कि ये चीज कुछ बताने की है, आप सिंपली अपनी सारी चीजें अपने हिसाब से आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको लिखना है कि वेयर इज योर बैंक, तो हम डालेंगे हमारा बैंक जो है इंडिया में है। अब आपके बैंक का नाम क्या है, उसका क्या होल्डर नेम है, कौन सा आपका बैंक है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नेम ऑफ बैंक, सारी आपको चीजें लिखनी है। आई थिंक ये सारी चीजें आप कर सकते हो, मुझे यहाँ पे लिख के दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी जिसके थ्रू आपको पेमेंट मिलेगा जब आपकी बुक सेल होगी। तो अब खुल के आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू जहाँ पे आपको सिंपली कुछ येस और नो कुछ ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने हैं। आप अपने हिसाब से सारी चीजें सेलेक्ट कर सकते हो जो मेरे को सूट करेंगी, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपनी कंट्री चूज कर लेनी है, आई थिंक मेरे जितने भी लोग हैं वो सारे इंडिया से ही हैं। और ये 10 वैल्यू का मतलब है आपका पैन कार्ड। यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिखना होगा, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो प्लीज उसको बनवा लें। और मैं यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर डाल दूंगा। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे हम सिंपली कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे जो आपकी कंट्री सिलेक्टेड है उसको इंडिया छोड़ देंगे और कन्फर्म का हम बटन दबा देंगे। और नीचे आके आपको अपना सिग्नेचर लिखना है, टाइप या फुल नेम जैसे कहा जा रहा है, तो आप अपना फुल नेम यहाँ पे लिख सकते हो बहुत ही आसानी से। सेव एंड प्रीव्यू का बटन हम दबा देंगे। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट आ चुका है पूरा, सर्टिफिकेट ऑफ फॉरेन स्टेटस ऑफ बेनिफिशियल ओनर फॉर यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स विद होल्डिंग एंड रिपोर्टिंग। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, जो भी आपका रहेगा। सबमिट फॉर्म हम कर देंगे। टैक्स इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू आप पूरी तरीके से कर चुके हो, अब यहाँ पे आप सिंपली एग्जिट इंटरव्यू कर सकते हो। अब आप इसी पेज पे रिडायरेक्ट हो चुके हो और आप यहाँ पे आके सेव कर सकते हो। एक बार जब भी सारी चीज हो जाएंगी तो आप सिंपली यहाँ पे सेव का बटन दबाओगे एंड ये सेव हो जाएगा और आप फिर से अपने किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग प्रोग्राम पे चले जाओगे। यहाँ पे आप सिंपली साइन इन करोगे फिर से और अब आप देख सकते हैं आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो चुकी है। अब आप अपनी बुक के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हो। अब हमें यहाँ पे किंडल ईबुक डालनी है तो हम यहाँ पे किंडल ईबुक दबा देंगे। आप चाहे तो पेपर बैग भी कर सकते हो, बट वी आर कंसिडरिंग ओनली किंडल ईबुक्स। यहाँ पे आप लैंग्वेज लिख सकते हो, कौन सी लैंग्वेज में आपने बुक लिखी है। कई सारी आप लैंग्वेजेस यूज कर सकते हो, बट मेरी जो बुक है वो इंग्लिश में ही है। अब यहाँ पे आपको अपने बुक का टाइटल लिखना है, जो भी आपकी एक्चुअल बुक का टाइटल है। चूंकि मैं तो यहाँ पे कोई बुक अपलोड कर रहा हूँ नहीं, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा। अगर आप सीरीज ऐड करना चाहते हो अपने बुक में, जैसे कि बुक्स में सीरीज आती है, सीरीज 1 सीरीज 2 टाइप से, तो आप यहाँ पे सीरीज कर सकते हो, सीरीज की डिटेल लिख सकते हो, बट मुझे करना नहीं था तो आप सिंपली यहाँ पे कट कर दोगे। एडिशन आप नंबर लिख सकते हो, एडिशन नंबर सिंपली होगा जैसे कि फर्स्ट एडिशन होता है, सेकंड एडिशन होता है बुक्स का। फर्स्ट एडिशन में कुछ कमियां होंगी तो हो सकता है सेकंड एडिशन में आप उन कमियों को पूरा करो और एक सेकंड एडिशन निकालो, उसको भी रिवाइज करके आप थर्ड एडिशन निकालो। तो ऐसा कुछ भी हम नहीं करना चाहेंगे, यहाँ पे ऑप्शनल है। सिंपल एक सीधी सादी मैं बुक लिखूंगा। ऑथर का आप नाम लिख दोगे जो कि रहेगा मेरा नाम या जो भी आपका नाम है, वो आप यहाँ पे सिंपली जाके लिख सकते हो। कंट्रीब्यूटर्स आप लिख सकते हो कि अगर किसी और ने आपको बुक लिखने में हेल्प करी है या किसी और का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहा है, तो आप वो सारी चीज लिख सकते हो। ऑल द ऑप्शन है, आपको लिखना है तो आप लिखो, नहीं लिखना तो मत लिखो। तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, कुछ भी छोड़ दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो कि आपकी बुक किस बारे में है, और डिस्क्रिप्शन यार ज्यादा से ज्यादा लिखना क्योंकि वो थोड़ा SEO के थ्रू आपकी बुक जो है पब्लिश होने में आसानी रहेगी, साथ ही साथ रीडर्स को पता चलेगा कि इस बुक में एक्चुअल में है क्या। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ जो भी मेरे मन में है। पब्लिशिंग राइट्स आपको रखने हैं, आई ओन द कॉपीराइट एंड होल्ड द नेसेसरी पब्लिशिंग राइट्स। आपकी जो बुक है वो आपकी खुद की है, आपके खुद के कॉपीराइट्स हैं, या सिंपली पब्लिक डोमेन में भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर ये बुक आपने नहीं लिखी, आप किसी और का काम इसमें शेयर कर रहे हो, तब ये कुछ चीजें यू नो आपको इस पर टिक लाना चाहिए, बट ये पूरी बुक मेरी तरीके से 100%, तो मैं यहाँ पे अपना कॉपीराइट दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको कीवर्ड्स लिखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कितने 7 यहाँ पे कीवर्ड्स लिखने को अलाउ कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपना ऑथर का नाम लिख सकते हो ताकि अगर कोई भी आपका नाम डाले तो आपका नाम यहाँ पे आ जाए। फिर आपका जो बुक का टाइटल है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, बुक किस बारे में है वो आपने लिख दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैं स्किप क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बुक अपलोड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि बुक अपलोड करते कैसे है। अब यहाँ पे आपको अपनी बुक की कैटेगरी सेट करनी है। मैं कुछ भी रैंडम कैटेगरी सेलेक्ट कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अपलोडिंग एनी काइंड ऑफ बुक हियर, आई एम जस्ट शोइंग कि बुक कैसे अपलोड करी जाती है। आपका जो मन करे, जैसा ही मन करे, आप वो सारी चीज कर सकते हो। मान लीजिए हम करेंगे लव एंड रोमांस के ऊपर, तो मैं सेव कर दूंगा, ये मेरी कैटेगरी हो गई। आप चाहे तो और कैटेगरीज भी शायद यहाँ पे डाल सकते हो,
ह्यूमर भी है थोड़ा सा मेरी बुक में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जोक्स एंड रिडल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो तीन कैटेगरी आ गई है, मैं और भी ज्यादा कैटेगरी यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आपको एज कैटेगरी सेट करनी है, वैसे तो ऑप्शनल है बट आप चाहें तो सेट कर सकते हो कि कौन से बच्चे इस बुक्स को पढ़ सकते हैं। तो मैं मान रहा हूँ कि 6 से 18+ के लोग मेरी बुक्स को आराम से पढ़ सकते हैं। यूएस ग्रेड आप डाल सकते हो कि यूएस में किस ग्रेड तक के बच्चे इस बुक को एक्सेस कर सकते हैं, मैक्सिमम कहां तक जाना है और मिनिमम कहां तक जाना है, तो ये ऑप्शनल है तो मैं इसको नहीं करना चाहूंगा। अब यहाँ पे आप प्री ऑर्डर का भी ऑप्शन लगा सकते हो। कई बार होता है जब आपके ऑडियंस बहुत ज्यादा बड़ी हो तो आप प्री ऑर्डर करके एक हाइप टाइप से एक अच्छा सा लगता है कि आपने अपनी बुक पब्लिश करी, एक्चुअली पब्लिश नहीं करी, सिंपली बताया कि आप इस बुक को ऑलरेडी प्री ऑर्डर कर सकते हो। बाद में जब पब्लिश सबके लिए होगी तब आपके पास वो बुक पहले पहुंच जाएगी, ऐसा कुछ होता है, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगा। मैं सिंपली कहूंगा आई एम रेडी टू रिलीज माई बुक नाउ, सेव एंड कंटिन्यू हम कर देंगे। अब आपको लिखना है अपना किंडल ईबुक कंटेंट। डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट है अनेबल DRM ऑन दिस किंडल ईबुक। यानी यहाँ पे DRM का सिंपल ये मीनिंग है कि अगर आप DRM वाले ऑप्शन पे यस टिक करते हो तो आपकी जो ईबुक है उस पे एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर लग जाएगी। एक तरीके से होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल मेरे फोन में आपकी ईबुक मैंने डाउनलोड करी, अब मैं अपने फोन से अनऑथराइज्ड या इलीगली किसी को भी बुक शेयर नहीं कर सकता अपने दोस्त को। ऑल्दो हैकर्स वो भी कर सकते हैं अगर आप DRM लगा लो तो, लेकिन उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इसको इलीगली किसी और को शेयर करना, यानी कि अनऑथराइज्ड वे में किसी और को डिस्ट्रीब्यूट करना आपका मटेरियल या आपका प्रोडक्ट। तो अगर आप उसे ये टिक करते हो तो आपकी ईबुक जो है काइंड ऑफ सेफ हो जाती है। अगर आप उसको नो टिक करते हो तो नो में क्या होगा, आपके कोई सी भी DRM उस पे नहीं लगेंगे, तो आसानी से कोई भी हैकर उसको कोई सी भी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे शेयर कर सकता है और आगे तक जितना चाहे उतना शेयर कर सकता है। अब यहाँ पे मजे की एक बात क्या होती है, बहुत सारे जो ऑथर्स होते हैं वो उसे नो टिक करते हैं। नो टिक वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि उनका काम एटलीस्ट शेयर हो रहा है। अगर कोई बंदा इसे आगे शेयर कर भी रहा है तो जो और लोग उसे पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उनका वर्क तो पढ़ रहे हैं, उनको तो पता चल रहा है ना कि किस ऑथर ने लिखा है ये, तो ज्यादा चांसेस होती हैं उनका काम अगर शेयर होगा तो हो सकता है वो जो इंसान हो वो इंटरेस्टेड हो उनकी कुछ और बुक्स खरीदने में। तो इसलिए बहुत सारे लोग इसे नो टिक करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप ये टिक कर दो तो भी हैकर जो हैक करने वाला है वो उसे भी हैक करके इलीगली शेयर कर सकता है, लेकिन हाँ थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर आप नो करते हो तो कोई भी हैकर उसे बहुत आसानी से शेयर कर सकता है। इसमें एक और ड्रॉबैक होता है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इसे ये टिक करते हो तो जितने भी आपके ऑथराइज्ड यूजर हैं जिन्होंने एक्चुअल में पैसा देकर आपकी बुक खरीदी है उनके लिए भी छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस डिवाइस में आपकी बुक खरीदी तो मैं आपका ऑथराइज्ड यूजर हूं, अब मैं इस डिवाइस से किसी और डिवाइस में शेयर करना चाह रहा हूं, चूंकि आपका DRM ऑन है तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो सकती है इस बुक को शेयर करने में, या जो भी ये बुक है वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होगी, राइट? सिर्फ शेयर करना ही नहीं, कुछ और भी चीजें होती हैं जो कि रिस्ट्रिक्ट कर देगा DRM, पर मैं तो ऑथराइज्ड यूजर हूं तो मुझे भी यहां पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी आपके DRM की वजह से। अब मैंने क्लियरली बताया कि DRM क्या होता है, यस करने से क्या होता है, नो करने से क्या होता है। अभी आपकी चॉइस है कि आप अपनी ईबुक पे DRM को यस करना चाहते हो यानी कि अनेबल रखना चाहते हो या डिसेबल करना चाहते हो। अब यहाँ पे आपको अपनी ईबुक की मैन्युस्क्रिप्ट अपलोड करनी है जो भी आपने लिखी है। यहाँ पे लिखा है कि आपकी जो ईबुक्स हैं वो डॉक फॉर्मेट में होनी चाहिए, ईपब के या KPF के। ज्यादातर हमारे जितने भी ईबुक्स होंगी वो डॉक की यू नो मतलब जो MS वर्ड होता है जो फाइल्स की सेव होती है वो डॉक एक्सटेंशन से ही सेव होती है। तो आप यहाँ पे सिंपली जाके वो फाइल अपनी अपलोड कर सकते हो। तो मैंने फाइल सेलेक्ट कर ली है, कोई सी भी रैंडम मैंने उठा लिया और यहाँ पे अपलोड हो रही है। अब यहाँ पे आप अपना एक कवर डाल सकते हो, या तो आप कवर यूज कर सकते हो जो कि आपको Amazon वाले यहाँ पे लिखा है अपलोड योर ओन कवर इमेज और यूज KDP स्टॉक इमेजेस। यहाँ पे आपको इनका कवर क्रिएटर है वो आप लॉन्च करके एक अपने रैंडम कवर क्रिएट करवा सकते हो, या सिंपली आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ पे आप अपना खुद का ऑलरेडी जो क्रिएटेड एक कवर है वो आप अपलोड करोगे। तो यहाँ पे आपको कई सारी चीजें दिखेंगी अगर आपने एक इनका कवर क्रिएटर का यूज करा है। यहाँ पे आप कंटिन्यू कर दोगे एंड स्किप दिस टाइप करके यहाँ पे देखो आपको कई सारे टाइटल दिख जाएंगे जो कि मेरी बुक के आ रहे हैं, रैंडम बुक टाइटल। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये वाला पसंद आ रहा है तो मैं ये वाला डिजाइन चूज कर लूंगा। साथ ही साथ इसमें जितने भी इनके कलर्स हैं वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने अपना ये कवर टाइटल चुन लिया, रैंडम बुक टाइटल, जो कि बहुत गंदा लग रहा है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे सेव एंड सबमिट कर दूंगा। ऑल्दो मैं जब अपनी कुछ बुक लिख रहा था जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, आई थिंक 30 अराउंड मैंने पेजेस की कंप्लीट कर ली थी, उसका मैंने खुद कवर डिजाइन करा था फोटोशॉप की हेल्प से। अब आपको फोटोशॉप आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप फ्रीलांसर्स को हायर कर सकते हो, बहुत सारे आपको फ्रीलांसर मिल जाएंगे, या आप सिंपली कैनवा जैसे फ्री साइट्स पे जाके अपने लिए खुद एक बुक कवर डिजाइन कर सकते हो। सिंपली आप यूट्यूब पे जाओ, कुछ वीडियोस देखो कि बुक कवर कैसे डिजाइन होता है और आप कैनवा की हेल्प से बुक डिजाइन अपनी खुद कर सकते हो। अब यहाँ पे आप अपना प्रीव्यू लॉन्च करना चाहोगे कि नहीं ये मैं इसे छोड़ दूंगा, मैं नहीं करना चाहता, ISBN कुछ नंबर है चूंकि ऑप्शनल है तो मैं इस चीज को छोड़ दूंगा और सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। अब फाइनली हम आ गए हैं अपनी किंडल ईबुक प्राइसिंग के ऊपर, जहां पे आप अपनी किंडल ईबुक को प्राइस करोगे। सबसे पहले आप KDP सेलेक्ट एनरोलमेंट कर सकते हो, उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो। यहाँ पे लिखा है कि आप अपना KDP क्यों करना चाहोगे, मैं इसको टिक कर दूंगा क्योंकि जब हम टिक कर देते हैं तो आप अपनी 70% रॉयल्टीज इससे टेक कर सकते हो। टेरिटरीज आपको लिखना है, ऑल टेरिटरीज या इंडिविजुअल टेरिटरीज, मतलब कहां कहां वर्ल्ड वाइड आपकी बुक अवेलेबल होगी, तो मैं ऑल टेरिटरीज कर दूंगा। मार्केट प्लेस, प्राइमरी मार्केट प्लेस आपको यहाँ पे लिखनी है कि आपकी कौन सी लोकेशन
जहां पे आपकी मेजोरिटी ऑफ द बुक सेल्स होंगी, तो मैं amazon.in कर दूंगा जो कि इंडिया का आपका यूआरएल है amazon का। फिर आपकी प्राइसिंग, रॉयल्टी एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसको मैं करूंगा 70% मतलब 70% जो पैसा है वो मेरे पास रहेगा, एंड 35% मतलब जो भी मेरी बुक्स होंगी उसका 35% या रॉयल्टीज ही मेरे पास रहेगी। तो हर कोई 70% ही करता है। अब यहां पे अपने प्राइस सेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने 100 करा तो 70% के रेट के हिसाब से मुझे रॉयल्टी 56% मिलेगी। अब यार कुछ अगर हो सकता है आपको, आप 70% यहां पे सेलेक्ट कर रहे हो, कई बार ये भी हो सकता है आपका रेट जो है 35% ही दिखा रहा हूं, वो चेंज ना कर रहा हूं, तो उसके लिए मैंने एक आर्टिकल का लिंक नीचे छोड़ दिया है जिसमें लिखा हुआ है कि 70% रॉयल्टी क्लेम करने के लिए आपकी बुक को जो है कुछ कंडीशंस के थ्रू पास होना पड़ता है, कुछ कंडीशंस के हिसाब से होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल साइज हो गया, पेज नंबर हो गया, कुछ ऐसी कुछ चीजें हैं जिसका मैंने लिंक नीचे छोड़ दिया, वो आर्टिकल पूरा जाके पढ़ सकते हो अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो हो सकता है मैं अगर एक प्रॉपरली अपनी बुक अपलोड करता तो कई बार ये भी देखा गया कि यहाँ पर रेट 70% की हो जाए 35% ही रहता है, तो आपकी बुक जो है कुछ प्रॉपर कंडीशंस के अंडर आनी चाहिए तभी आप 70% अपना क्लेम कर सकते हो। अब आती है बुक लेंडिंग की बात। अलाउ योर कस्टमर टू लेंड योर किंडल ईबुक आफ्टर परचेजिंग इट टू देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 14 डेज, मतलब 14 दिन के लिए कोई भी आपकी बुक को फ्री में अपने दोस्त को दे सकता है। यहाँ पे लॉग्ड है क्योंकि मैंने 70% रॉयल्टीज करा, इसलिए लॉग्ड है। यहाँ पे आएगा क्यों लॉग्ड, तो यहाँ पे लिखा है टाइटल विद द 70% रॉयल्टी ऑप्शन आर रिक्वायर्ड टू बी एनरोल्ड इन किंडल बुक लेंडिंग। अगर आप चाहते हो कि कोई भी बुक लेंड ना करे तो आपको ये जो 70% आपने टिक करा है इसको चेंज करके आपको 35% करना पड़ेगा। अब आप नीचे जाके इसे या तो टिक कर सकते हो या इसे हटा सकते हो, बट मैंने यहाँ पे 70% करा है तो जो नीचे का भाई ऑप्शन है वो तो मुझे अलाउ करना ही पड़ेगा, कोई उसमें बात ही नहीं है। अब यहाँ पे आपके टर्म्स एंड कंडीशंस है जो कि यहाँ पे लिखा है इट कैन टेक अप टू 72 आवर्स फॉर योर टाइटल टू अवेलेबल फॉर परचेज ऑन Amazon। अब यहाँ पे जब आप पब्लिश करोगे तो एकदम से पब्लिश नहीं होगी, थोड़ा टाइम लेगा, इसके यहाँ पे लिखा है 72 आवर्स, एंड वहाँ पे आपकी बुक को जो प्रोसेस करा जाएगा, देखा जाएगा कि टाइटल क्या है या अंदर का जो मटेरियल है वो कॉपीराइट वाला है कि नहीं है, ऐसा कुछ Amazon वाले प्रोसेस करेंगे। फिर फाइनली जब वो सारे टेस्ट से पास हो जाएगी तब आपकी बुक पब्लिश हो जाएगी Amazon। बट चूंकि मैंने यहाँ पे टाइम पास बुक बनाई है तो मैं यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट कर दूंगा, पब्लिश मैं नहीं करूंगा अपनी बुक को। यहाँ पे सेव जो है मेरा सक्सेसफुल हो चुका है, पूरा मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरह आप अपनी Amazon डायरेक्ट पब्लिशिंग के थ्रू अपनी बुक को पब्लिश कर सकते हो एंड कितना ईजी है, कितना आसान है। अगर आपके पास खाली टाइम है और आपको लिखने का शौक है तो आई थिंक ईबुक्स आर वन ऑफ द बेस्ट वे टू पुट सम मनी इनटू योर पॉकेट, एंड पैसिव इनकम का बहुत अच्छा सोर्स है आई बिलीव ईबुक लिखना, और आपको ईबुक लिखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो इस वीडियो को इतना ही रखता हूं, काफी लंबी वीडियो हो चुकी है, थैंक यू गाइस अगर आप यहां पे बने हुए। आई होप आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने कोशिश करी थी सही से बताने की। अगर आपको कोई कमी लगी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको इसमें कोई सा भी ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करने की बजाय सिंपली आप वो ऑप्शन का टाइटल गूगल पे डाल सकते हो, जहां पे आपको एक्सपर्ट्स बताएंगे कि इस ऑप्शन का मतलब क्या है और ये ऑप्शन आपके लिए सही है या नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो कि आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं, और मैं ऐसी और कौन कौन सी वीडियोस अपने चैनल पे लाऊं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।